So all this started during the pandemic. So we all were suffering during the corona period. So that's how the idea came to me to establish free street library. Socha ki ghar baithe baithe kuch to reading bhi practice kar lu. Then as a teacher also, मुझे ख्याल आया कि हमारे बच्चों को भी रीडिंग का कल्चर सिखाना चाहिए क्योंकि हमारे ट्राइबल किड्स जो है बुक्स पढ़ते नहीं है. दे आर मोर इनटू ड्रग्स एंड ऑल दोस क्रिमिनल एक्टिविटीज़. सो आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट वे टू एनकरेज रीडिंग एंड ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द लिटरेसी लेवल ऑफ अरुणाचल बिकॉज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बहुत ही ख़राब है स्पेशली इन द इंटीरियर रीजन. एंड देन आफ्टर टू ईयर्स ऑफ आवर हार्डशिप फाइनली इट वॉज अ कॉल फ्रॉम द गॉड. आई मस्ट से आवर previous DC Sir Minga Sir, he acknowledged our work and he invited us to collaborate with him last month. Then the new DC Rana Sir came and he also took it forward with us, and I'm really really thankful to them and the whole DRDA team for associating with us and supporting us in wholeheartedly. अभी तक तो हमने अपना फंड से हमने 14th स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाया इंक्लूडिंग कुरुंकुमे तिराप डिस्ट्रिक्ट मेनी प्लेसेस. बट राइट नाउ दिस विल बी द फर्स्ट इनिशिएटिव विथ इनहेंस विथ डीसी पापुमपारे. अभी और हम लोग को 24 स्ट्रीट लाइब्रेरीज बनाना है इन होल पापुमपारे रीजन. एंड आवर मोटिव इज टू आउटनंबर द वाइन शॉप्स इन अरुणाचल. सो होपफुली इट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस. धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही बदलाव लाते रहेंगे. प्लीज सपोर्ट अस. थैंक यू वेरी मच. तो आप अपने एरिया के बच्चों से क्या अपील करेंगे? हमारा जितना हमारा इलाका का बच्चा को ही हम बोलना चाहता है, और ये मेरा सबसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं जितना भी यूथ लोगों को और दोमो एरिया हो चाहे पपुमपारे का एरिया हो और जो भी इधर हिलने वाला सभी को भी मेरा यही अपील है कि पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान देना है. और ये एक स्ट्रीट लाइब्रेरी हम लोग आज ओपन कर रहा है तो जितना भी नॉलेज गेनिंग कर सकता है और शेयरिंग कर सकता है इधर से भी बहुत सा चीज़ को आप लोग अवेल कर सकता है. और जितना भी नॉलेज शेयरिंग करना है और जितना भी नॉलेज मिलना है ये स्ट्रीट लाइब्रेरी से भी बहुत सा चीज़ को आप लोग मिलेगा. तो इसलिए जितना हम लोग का कोई कोई लड़का लोग जैसे पर्टिकुलरली बोलना नहीं चाहता हूँ तो भी कोई कोई ऐसे धूम्रपान में इन्वॉल्वमेंट है, जो भी धूम्रपान में इन्वॉल्वमेंट है उसको छोड़ के पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान देने से ठीक है. ये हमारा जितना इधर का यूथ और जितना भी आने वाला युवा और युवक के सबको मेरा यही अपील है. थैंक यू होल. मैं अपने सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पापुमपारे में ये जो फंड सेंक्शन किया और हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट लाइब्रेरी मूवमेंट को जो मैडम ऑलरेडी चला रहा था उसको और स्ट्रेंथन कर पाए. हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करीब 25 सच लाइब्रेरीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे. और मैं आशा करता हूँ कि इस आने वाले टाइम में जो रीडिंग कल्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट का इन पर्टिकुलर और अरुणाचल का इन जनरल वो काफ़ी इम्प्रूव होगा. इसमें जो यूज़र लोग हैं वो किताबें घर लेके भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि बाद में इसको रख दें वापस सो दैट कि वो और किसी और को पढ़ने का मौका मिले और इसको डिस्ट्रॉय ना करें. ये आपका ही लिए बनाया गया है और सरकार का इसमें काफ़ी पैसा लग रहा है तो उसके हिसाब से आप सबका ख्याल रखें, सब नई प्रॉपर्टी समझ के रखें. थैंक यू.